उसका जब आप सेव करने लगते हो तो आपको वो मेमोरी कार्ड के पास रैम नहीं होता है, मेमोरी नहीं है तो आप उसको सेव नहीं कर सकते हैं। तो उसको आज हम हाल ही निकालेंगे कि उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं और उसको एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी करें, ठीक है। और उसके साथ साथ शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल फैसल ट्यूटोरियल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट हमारे चैनल की तरफ से मिलती रहे। उसके साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको लाजमी उसकी अपडेट सबसे पहले मिल सकें और आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। वेलकम गाइस, तो मेरे पास ये आपने एरर देखी होगा कि ये मेरे पास एरर है, ठीक है। तो इस एरर में आपके पास ये एरर कुछ इस तरह से आ रहा होता है, तो कौन से फोन से आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ये एरर आ रहा होता है। तो इस तरह कुछ करके लिखा आ रहा था, तो मैंने सारे इस्तेमाल भी कर अपने पास रैम नहीं है तो उसका हम आने वाले निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये एरर बोलूँ कि एरर किस वजह से आता है और एरर क्यों आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास 4 GB रैम है या 8 GB 16 GB है, तो अगर आपने 32 GB विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है तो सबसे पहले आपको रिकमेंड करेंगे तो आप उसको 64 में कन्वर्ट करें। इसको कन्वर्ट कैसे करना है, जस्ट सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नई विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो भी 64 GB वाली। अगर आपके पास 64 नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो या किसी दोस्त वगैरह से बाजार से CD DVD मिलेगी, उसमें आप 64 GB का कर देंगे तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 64 GB आपने यूज करें, मेरे पास अभी विंडोज चल रही है 64 GB में और मेरे पास अभी 8 GB रैम इंस्टॉल है जिसमें 7.9 GB भी मेरे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर की डीवीडी भी मेरे पास यूज होते हैं। तो उससे ही क्या होता है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रैम ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज होती है, जब आप काम कर रहे थे तो आपको कोई मसला वगैरह नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो यहाँ पर रिकमेंड करूँगा 64 GB करें अगर आपने 4 GB या 8 GB रैम में करनी है। 3 GB या 2 GB वाले को रिकमेंड करूँगा कि आप 32 GB इंस्टॉल करें, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप यहाँ पे 1 GB 2 GB 3 GB वाले भी होंगे, तो मैं ये सवाल करेंगे तो मैं आपको सब ये कहता हूँ कि आप 32 GB यूज़ कीजिएगा। 4 GB तक ये अगर आप 64 GB यूज़ कर सकते हैं 32 GB यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 8 GB के रिकमेंड में आपको करूँगा कि 8 GB के 4 से 8 GB के लेवल में आपको जो है वो 64 GB की सूचना मिलेगी। तो आपने जो फोटोशॉप ओपन कर लेना है, देखिए आपका एरर आ रहा है, ठीक है। मेरे पास फोटोशॉप 2003 आएगा, तो इसमें आपका एरर पर कैसे दूर करते हैं, जिसको आपने ओपन कर लेना है, जगह सेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास सेटिंग हो चुका है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको एडिट में लेना है। एडिट में जाने के बाद आपने लेना है और यहाँ जो आपने जाना जनरेटर है, इसकी कंट्रोल के आप तो प्रेफरेंस आपके पास ओपन होगा, क्योंकि उसके बाद आपने जाना है तो आपने आपको मिलेगा, तो आपने कुछ ऑप्शन दिखेंगे आपके ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे एक मेन्यू क्या ग्राफिक्स किया है, यहाँ पे दिखा देता है कि आपके पास कितनी रैम है, कितनी यूज हो रही है, कितनी आप यूज कर सकते हैं और आप अपने सिस्टम को कितनी दी हुई है, इस सॉफ्टवेयर को कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये सारी ऑप्शन बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता है आपके पास रैम कितनी अवेलेबल है, 3 GB रैम पास अवेलेबल है। आइडियल रेंज आप कम से कम ज़्यादा ज़्यादा कितनी रख सकते हैं, 3 GB कितनी रख सकते हैं, ठीक है। 4% से 100% रखना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे 50% रैम यूज करने के लिए। वहाँ पे जब आप पैनल से ज़्यादा या कोई एडिटिंग वगैरह कोई पिक्चर जिसकी फिंगर वगैरह काफ़ी अच्छी है तो वो रैम वगैरह यूज़ कर सकता है, तो वो उसको ज़्यादा यूज़ करेगी तो आपकी जो मेमोरी उनकी स्टॉर नहीं होगी, आपका काम जो है वो इजीली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 80 GB सॉरी 80 GB कह रहे हो, 80% उसकी रैम हो, ठीक है। तो ताकि आपके जो वर्क वगैरह वो ज़्यादा डिस्टर्ब वगैरह ना हो, तो यहाँ पे 80 GB देने के बाद 80% देने के बाद थोड़ी मैंने 80 GB लिखा है, 80%
लेने के बाद आपने यहाँ पे एटी परसेंट रैम जो है इसको दे दी है। 80% आपकी रैम जितनी भी दूर हो रही उसका वो 80% ले गया। ना कि आपको जो देखना पड़ेगा तो मेरी रैम 80% रैम है तो ये सॉफ्टवेयर बुद्धि से कुछ होगा, ठीक है। इसी तरह इसके बाकी के प्रोडक्ट हैं उसमें उन्होंने भी सेम है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं है तो ये तीसरे पसंद नहीं हो रही है मेरी नहीं हो रही है, तो आप अपने बहन के हिसाब से उसको 80% का देना था जो दूसरे सोच रहे वो भी करनी हो वो भी इसी चल सकते। तो ये भी हमारी आज की वीडियो मेरी तरफ वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा एक और एरर आता है जिसमें होता है डिस्क एरर, डिस्क जो है वो फुल हो चुकी होती है, कैसे वो फुल हो चुकी होती है तो उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा नई वीडियो में, पहले वीडियो में उसको डिस्क्राइब करूँगा कि जो आप देखें तो उसमें कैसे हम देखें तो इन मैं अगले वीडियो में नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये हो चुकी होगी, आप समझ आ चुकी होगी तो कैसे कैसे दूर किया जा सके। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक नहीं तो शेयर नहीं तो मैं कैसे भी कर सकते अपनी दोस्तों को हल कर सके, ठीक है। तो आई नई वीडियो के लिए बड़े करने के लाइक से सब्सक्राइब करें।